ब्लड डोनेशन करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, मतलब ORS पहली बार को दिया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट अनदर ब्लॉग बेबे। सो आज मैं जा रहा हूँ किसी को खून देने। किसको खून देना है वो मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो मम्मी ने आज बोला बस जाओ बेटा खून दे के आओ किसी को। तो मैंने तो कभी भी खून नहीं दिया किसी को, तो मेरे को डर लग रहा था, ठीक है। तो मम्मी ने मेरे को बहुत अच्छी तरह समझाया, खून देने से तेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, तेरा फायदा होगा, अच्छा होगा बोल के। और मैंने भी उसके बाद थोड़ा देर रुकने के बाद मैंने भी YouTube पे सर्च करके देख लिया खून देने से क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है। तो वहाँ पे फलाना 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 बहुत कुछ था, ठीक है। वो आप लोग भी चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो उसमें पता चला कि मुझे बहुत सारा फायदा और फायदा है, ठीक है। सो मैंने भी ठीक है फिर लाइफ में एक बार किसी को खून दे के देखता हूँ बोल के मैंने भी राजी हो गया। लेकिन राजी तो हो गया लेकिन मेरे को बहुत लग रहा था डर, ठीक है, क्योंकि मेरे को जब नीडल देखता है ना तो मेरा गीला हो जाता है नीचे की तरफ। सो कोई नहीं, डर क्या की जीत है बेटा, आज ट्राई कर ही देगा। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ एक दोस्त भी जा रहा है, क्योंकि मेरा कौन सा ग्रुप है मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। तो हम लोगों को चेक करना है पहले ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद खून दे पाएगा ना, है ना। सो बस बने रहना इंस्टा और जिसने भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं पटक से कर देना। और मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक दोस्त है। ये रहा वो दोस्त जिसके साथ मैं ब्लड देने जा रहा हूँ, वो भी आज ब्लड टेस्ट करके देखेगा, वो भी डोनेशन करना पड़ेगा अगर उसके साथ मैच हो गया तो। और मेरा दुकाटी आज यहाँ पे मस्त तरीके से खड़ा है, मस्त तरीके से बैठा है, लेकिन बस भूखा है भाई। और अभी उसको फ्यूल अप करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा है ना, तो पहले खाना खिला लेते हैं उसको, उसके बाद निकलते हैं। भैया फुल टैंक करवा देना यार, क्योंकि मेरा दुकाटे बहुत दिनों से भूखा है। एंड अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। और ब्लड डोनेशन करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, मतलब ORS डोनेशन करने से पहले पीना चाहिए भाई, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाता, लेकिन भाई बड़े लोगों के सामने वीडियो करना कुछ अजीब सा लगता है ना, इसी कारण नहीं दिखा सकता भाई फिर कभी। सो पहले पटक से डोनेशन करते हैं, उसके बाद पटक से आते हैं। A few moments later. So guys, अभी फाइनली ब्लड देने के बाद ना थोड़ा कमजोर टाइप फील हो रहा है और गर्मी भी बहुत महसूस कर रहा है। सो अभी हम लोग जाने वाला है नहाने के लिए, ठीक है। बस बने रहना इंस्टा और जिसने भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर देना यार। चलो अभी चलते हैं। सो गाइस, अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और दुकाटी को यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पाइप निकला हुआ है भाई, कुछ इस तरह से निकला हुआ है। और हम लोग का टायर जो है ना वो छोटा छोटा है, इसी कारण ये पे नहीं ला सकता, वो स्लिप करता है। और जो मेरे साथ दोस्त आया था वो तो सामने चला गया, जो वो रहा नहाने के लिए चला जा रहा है। और अभी तक जिस किसी ने ब्लड डोनेट नहीं किया ना करके देखो यार, बहुत मजा आता है यार, कसम से बहुत मजा आता है। बस थोड़ा दर्द होगा उसके बाद खत्म, दर्द खत्म, खून चला जाएगा उसके बाद, थोड़ा खत्म होने के बाद थोड़ा कमजोर फील टाइप होगा, उसके बाद फिर से ठीक हो जाएगा। और अभी हम लोग आज के नहाने के लिए, बस नहाएगा अभी मजे से भाई। और वो दोस्त लोग नहा रहा है, पूरे मजे से नहा रहा है भाई। ओ माय गॉड, OMG मैन, नहाओ ब्रो नहाओ, अच्छे से नहाओ। और हम भी अभी नहाएगा पूरे मजे से भाई। मेरा भाई का चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी पूरी तरह शाम हो चुका है, अभी थोड़ा यहाँ पे नहा के हम लोग भी चला जाएगा घर वापस। एंड मुझे बहुत लग चुका है कम जोर था है फील यार, पहली बार को दिया है। माँ कैसे बहुत दर्द होता है। हाँ कहा था मैं दर्द होता है ना, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं होता है भाई। आपको अच्छा लगेगा अगर किसी को आपकी डोनेशन करने पे अगर किसी का चेहरे पे मुस्कान आए ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर वो मुस्कान को आप देखे हो तो। सो वो मुस्कान मैंने कल फील किया भाई, बहुत अच्छा था। और मैं वीडियो कल कंटिन्यू करता लेकिन मेरा फोन हो गया था डेथ थी के, इसी कारण वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। और अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल अपने घर पे, बस फोन को चार्ज दिया उसके बाद वीडियो चालू कर दिया। और बस आज के लिए इतना,
उम्मीद की तरफ को ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ भी कर देना। अगर आप लोगों को भी मौका मिले ना किसी को खून देने का तो वो मौका कभी मत छोड़ना भाई, खून दे देना यार। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके जानो तू धीम धीम ना, धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो कम लेना। ओके जानो तू धीम धीम ना।